हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एक स्क्रीन प्ले से कैसे हम स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं और कैसे उसे हम एक विजुअल फॉर्मेट में बदल सकते हैं। ये स्टोरी बोर्ड से ये फायदा है दोस्तों कि इसमें आप अपने रिटन मटेरियल को, स्क्रिप्ट को आप पहले ही विजुलाइज कर सकते हैं, जिसमें आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने शूटिंग की चीज़ों को काफ़ी प्रिसीजन के साथ में शूट कर सकते हैं और इससे आप अपने काफ़ी बजट को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम ये दिखाना चाह रहे हैं, हमने एक ये नॉवेल से स्टोरी बुक बनाई है जिसमें हर पेज नंबर के हिसाब से हमने ये शूट किया है। जैसे ये देखेंगे, यहाँ पे पेज 2 लिखा हुआ है, उसकी फिर सीन्स लिखे हुए हैं, पेज 3 में क्या डिस्क्रिप्शन था उसके हिसाब से हमने ये बनाया है इस तरह, और हमने आगे इस पे काम किया है। किस तरह से पेज नंबर 6 में क्या एक्टिविटी हो रही है, कैसे सीन्स जा रहे हैं, क्या स्टोरी आगे कैसे फॉरवर्ड हो रही है, तो ये आप छोटे छोटे स्केचेस में कैमरा एंगल के साथ में पूरा उसको सेट कर सकते हैं। हम इस पे आगे और डिस्कस करेंगे, ये अभी फिलहाल हमने एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया है कि कैसे हम प्रॉपर तरीके से हम एक रफ होते हुए भी हम काफी एक प्रिसाइज आइडिया ले सकते हैं।